दोस्तों बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताते हुए भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है और साथ में ही राजस्थान की जनता को एक नया तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में एक नया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को बनाया है। दोस्तों आखिर कौन है भजन लाल जी शर्मा जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, आइए पूरी जानकारी लेते हैं इनके बारे में। देखिए दोस्तों बात की जाए भजन लाल जी शर्मा के जीवन के बारे में तो वह भरतपुर के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 54 साल है। दोस्तों वे भाजपा से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो कि वर्तमान में सांगानेर विधायक है और बीजेपी से उन्होंने जीत हासिल की थी। दोस्तों हालांकि वे भरतपुर के रहने वाले हैं लेकिन वे वर्तमान में सांगानेर विधायक है। भजन लाल जी जो कि भरतपुर के अटारी गांव के रहने वाले हैं, उनका पूरा परिवार वहीं पर रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं भजन लाल जी शर्मा के जीवन के बारे में। वे ब्राह्मण समाज से आते हैं, पहली बार विधायक बने हैं। दोस्तों इस बार वे सांगानेर से बीजेपी के प्रदेश महासचिव है, संघ और संगठन दोनों के करीबी है। सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक पहली बार वे बने हैं और दोस्तों इसी के साथ में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया है। और भजन लाल जी का जो जुड़ाव है वे बीजेपी से काफ़ी पुराना है, भारतीय जनता पार्टी से वे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, इसी के बदौलत आज उनको राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोस्तों भजन लाल जी फिलहाल भरतपुर के राजेंद्र नगर में रहते हैं, वे बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे हैं। इनके अलावा वे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। 2003 में बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वे नदबई से चुनाव लड़े थे, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले वे सरपंच का चुनाव भी लड़े थे और हार गए थे। इनके दो बच्चे हैं, उन जिनमें से एक डॉक्टर है जो कि जयपुर में रहते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और बात करें भजन लाल जी के शिक्षा और राजनीति के करियर के बारे में तो उन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल की है और इसी के साथ में वे भरतपुर भाजपा के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे। इसी के साथ में 2015 में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2016 से लेकर अब तक भाजपा प्रदेश महामंत्री है। दोस्तों इनका राजनीति करियर काफ़ी पुराना और दमदार है, इसी की बदौलत आज उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइए और हमारे नए मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए कमेंट में उनको बधाई दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।